हेलो गाइस, आज मैं आपको जो हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ उसमें मैंने कोई भी मशीन यूज़ नहीं करी है और ना ही कोई हेयर स्प्रे यूज़ करा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ना हेयर स्प्रे यूज़ करा है और ना कोई मशीन यूज़ करी है। तो सबसे पहले हम बालों को दो पार्टिंग में डिवाइड कर लेंगे, पीछे चोटी बना लेंगे। उसके बाद हम सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्रेड बनाएंगे, जो नॉर्मली घरों में भी लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं जब हम किसी के हेयर पे बनाते हैं, मतलब अगर क्लाइंट को अच्छा लगता है तो बनाए, अदरवाइज चेंज कर दे। तो ऐसे ब्रेड बना के देन उसके जो पार्टिंग है उसको थोड़े थोड़े से बाहर निकाल लें और उसको पीछे की तरफ क्लिप से टक कर दें। ध्यान रखें गाइस, क्लाइंट को चुभना नहीं चाहिए कोई भी क्लिप। तो सेकेंड साइड में भी हम वही सेम ट्विस्टिंग कर लेंगे और दोनों साइड बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी लगती है ट्विस्टिंग। तो आप ये इजी हेयर डू ईजिली बना सकते हो। उसके बाद पीछे की तरफ मैंने छोटा सा एक डोनेट लगाया है, डोनेट को अच्छे से हम जूड़े पिन की मदद से टक कर देंगे, ठीक है, ताकि वो हिले नहीं। उसके बाद इतने से बालों में मैं सिर्फ और सिर्फ तीन चोटी का जूड़ा बनाऊंगी। पहले हमने एक चोटी ली, उसके बाद जैसे हम नॉर्मली चोटी गूँथते हैं ना, वैसे चोटी गूँथनी है आपको, देख सकते हो। ऐसे गूँथने के बाद जो एक साइड का पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेंगे और एक गुलाब वाली जो वो होती है ना, क्या जो गुलाब का लुक होता है, उस लुक में हम इसको एक साइड सजा देंगे। फिर सेकंड चोटी में भी हम यही चीज़ करेंगे। देखो, सेकंड चोटी ली, अभी इसको मैंने चोटी बनाया और वन साइड से हम इसको भी निकाल देंगे और उसको भी राउंड करके गुलाब जैसा लुक दे देंगे और घुमा के इसको पिन की मदद से इसको हम टक कर देंगे, जूड़े पिन की मदद से, ठीक है। थर्ड में हमने देखो तीन ही चोटी बनाई है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, इससे कम तो बनाना ही मत अच्छा नहीं लगेगा। तो तीसरे साइड भी मैंने इसको टक कर दिया, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका जो मतलब हेयर डू का लुक है। और उसके बाद मैं एक प्यारा सा एसेसरीज लगा दूंगी मैम को, मतलब हमारी डमी को। आप देख सकते हो फ्रंट से भी कितना प्यारा लुक लग रहा है और बैक साइड से भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही थी तो मैंने सोचा वीडियोस ही बना लेते हैं ताकि मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी डाल सकूं। और मैंने एक प्यारा सा एसेसरीज लगा दिया है और आप देख सकते हो हमारा जो हेयरडू का लुक है वो एसेसरीज लगाने से, कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो जाता है, तो वही हो चुका है। और ये हेयरडू बहुत पसंद आते हैं लोगों को, तो आप भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। और मुझे सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें गाइस। Thank you so much guys and love you so much.